हेलो एवरीवन, सो आज का वीडियो है बोगनविलिया के बारे में। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, 3 ऑलरेडी यहाँ पर मेरे पास हैं। पहले भी मैंने आपके साथ इसका वीडियो शेयर किया है कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो आपको दिख रहा होगा लास्ट टाइम जब मैंने आपको कटिंग करके बताया था, उसके बाद इसमें कितनी फ्लावरिंग हो गई है। और ये जो पिंक वाला है, इसमें फ्लावरिंग बंद हो गई है, तो अभी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और इन तीनों को मैं लगा रही हूँ एक जगह पे। ये मेरा रेड वाला आई थिंक, तो मैंने इसकी कटिंग आपको लास्ट टाइम करके दिखाई थी। अभी देखिए इसमें कितने सारे इसके लीव्स आ गए हैं। तो इन तीनों की मैं इस तरह से स्टेम, देखिए जो थोड़ा मजबूत तरह की होती है, उस वही हमें कट करनी है। और ये वाइट वाला था, तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा इसकी ब्रांचेस फैल गई हैं बहुत ही जल्दी। आई थिंक 10 से 15 दिन में ही इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हो गई है, ऑलरेडी हो रही थी और इसकी ब्रांचेस फैल भी गई हैं। तो इसको लगाने का सबसे इजी तरीका है कि मैंने यहाँ पे देखिए एक पॉट ले लिया है। वैसे मैं यहाँ पे प्लास्टिक पॉट्स यूज़ कर रही हूँ कि रिसेंटली मेरे पास ये खाली पड़ा हुआ है, इसलिए इससे पहले इसमें सैक्यूलेंट था, तो सैक्यूलेंट्स इसमें हो नहीं पाया एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी इसकी वजह से, तो मेरे जो सैक्यूलेंट्स थे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। तो अब मैं यहाँ पे इसमें बोगनविला लगा रही हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा। ये हमारा जर्मन शेफर्ड ब्रेवो, तो थोड़ा सा वो खाद वगैरह खा लेता है, इसके वजह से वो थोड़ा आसपास घूम रहा है। तो इस तरह से आपको एलोवेरा के अंदर लगा लेना। अगर इस तरह से आप रिपोर्ट करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका एलोवेरा ग्रो करेगा। इसकी वीडियो मैं आपके साथ आगे शेयर ज़रूर करूँगी। और इन सभी के पत्ते फ्लावर आपको इसी तरह से साफ़ कर देने हैं, तो इससे क्या होता है जल्दी जो हमारा प्लांट होता है या जो भी है हमारा, तो वो ईजीली ग्रो होता है, बहुत जल्दी ग्रो होता है। तो इसलिए मैंने ना इसके सारे लीव्स साफ़ कर दिए हैं। और ये जो वाइट वाला, इसके मैं एट लास्ट में थोड़ा सा इसको बिल्कुल हटा दूंगी, नहीं तो ये ग्रोथ होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो देखिए सारी इसके अंदर है, अंदर नहीं है, तो मैं इस एलोवेरा को फोल्ड करके इस तरह से इसके अंदर इसको हम डिप कर देते हैं। तो इन तीनों को हमने लगा लिया एक साथ, तो इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी आगे आने वाली वीडियोज़ में, आप देखते रहें। तो बाकी जो मेरी दो टहनियाँ थी उनकी, तो मैंने जो उसके फ्लावर्स एंड उसके जो लीव्स थी वो साफ़ कर दिए, बट वाइट वाला भी इसमें फ्लावर है तो मैंने अभी नहीं किया है, बट कुछ टाइम के बाद मैं इसको हटा दूँगी, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है जब प्लांट ग्रो करता है तो ग्रोथ हो नहीं पाती है। तो जब भी आप कोई प्लांट लगाते हैं उसके जो लीव्स होते हैं स्ट्रॉन्ग और उसके जो फ्लावर्स होते हैं उनको बिल्कुल ही हटा दें। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये यहाँ पे मिट्टी यूज़ कर रही हूँ, खाद वाली मिट्टी है। तो बस यहाँ पे हमारी रिपॉटिंग हो गई है, 3 प्लांट्स जो है मैंने कटिंग एक साथ लगा दिया। आई थिंक रेड, इसमें एक पिंक है एंड इसमें एक वाइट है। तो चलिए यहीं पे मैं वीडियो को ख़त्म कर देती हूँ। हम रख देते हैं स्टैंड अपना साइड में, और अभी आई थिंक मानसून शुरू हो गया है तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाएगा।